अमृतसर की देहाती पुलिस ने हथियारों के एक बड़े जखीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 6 अक्टूबर को फरीदकोट के कोटकपूरा में स्थित शेरे पंजाब गन हाउस में लूट हुई थी, जिसमें कि 34 हथियार लूट लिए गए थे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इस मामले में अलर्ट किया गया था, जिसके चलते हर जिले की पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर पुलिस और फरीदकोट पुलिस ने साझा अभियान चलाते हुए एक युवक सिमरजीत सिंह निवासी गांव रोमाना चक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 20 हथियार बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने यह कबूला कि उसी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने बताया कि इन हथियारों का इस्तेमाल पंजाब में बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए होना था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजीठा वालों बहुत एक अहम से बड़ी प्राप्ति की गई है, जो कि एक पूरे स्टेट ते इंटर स्टेट पूरे पंजाब ते नाल लगदे पंजाब दे होर सूबियां दी नाल एक संबंधित क्राइम दी डिटेक्शन है। वक्ख वक्ख समय ते हथियारां दे संबंध विच पिछले अरसे तो अखबारां च भी आ रहा पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह दी कोई शमूलियत दे नाल दफ्तर दे मुलाजम दी या वैसे कोई आर्म डीलर दी शमूलियत नाल कोई ना कोई हथियारां नाल क्राइम जिहड़ा आ ओह आर्म जिहड़े उन्हां दे संबंध विच क्राइम रिपोर्ट तो बाद इस लुट दा जिहड़ा असर होना सी अगों होर बाकी क्राइम च जो खलारा पैणा सी जो बाकी क्राइम अंजाम देने सी इन्हां तों ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਗੈਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ।